नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, सुहाने मौसम है। तो दोस्तों इसी संदर्भ में आज मैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में, ऐसे पेड़ के बारे में, ऐसे फल के बारे में आपसे आज जानकारी देंगे जो कि आप लाखों रुपया खर्च करके, बहुत सारी दवाई खा खा करके परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों इस पौधे का जो फल देख रहे हैं ना, और जो पत्ते देख रहे हैं, और इसके वृक्ष का जो छाल होते हैं, जड़ होते हैं, सबका औषधि रूप में इसका प्रयोग होता है। आप इसका प्रयोग करके बहुत सारी बीमारी को आप नष्ट कर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। तो दोस्तों आज इस पेड़ को देख लीजिए, इसके देख लीजिए ये फल है और इसके अंदर बीज होता है। जब इसको तोड़ेंगे तो इसके अंदर एक बीज निकलेगा और साथ साथ दोस्तों ये पकने के बाद इसका फल ब्राउन कलर का हो जाता है, इसका बीज, और इसका तेल निकाला जाता है जो कि बहुत सारे औषधि कार्य में इसका प्रयोग किया जाता है, बहुत सारे बीमारी को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों आज इसी पौधे के बारे में बात करेंगे, इसी फल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना। एक लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ जाता है, जिसके वजह से आपके लिए ऐसे ही हम वीडियो अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए, पहचान कर लीजिए ताकि आपको पहचानने में कोई तरह की दिक्कत ना आए। तो देख लीजिए इसके ये फल हैं और ये बहुत आसानी से आपको मिल जाता है। ये पूरे भारतवर्ष में उगने वाला पौधा है, पेड़ है, और ये इस पेड़ की लंबाई कम से कम 14 से 15 फीट के आसपास हो जाता है। और अक्सर आपने देखे होंगे रोड के किनारे ये लगा हुआ पेड़, और बहुत सारे पूरे भारतवर्ष में ये पेड़ उगता है। और देख लीजिए इसके अंदर बीज होता है जिसका तेल निकाला जाता है और उसका भी औषधि रूप में भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों चलिए हम इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसका नाम बता दें, इसका नाम है करंज, इसे वृक्ष करंज बोला जाता है। और मैंने वीडियो भी बनाया है, एक वृक्ष करंज होता है, एक लता करंज होता है, जो कि आपको हम लता करंज का भी वीडियो मेरे चैनल पे आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आज हम वृक्ष करंज के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये औषधि के रूप में बहुत बेहतरीन काम करता है, खास करके जैसे चर्म रोग हो गया। जी हाँ दोस्तों, चर्म रोग में बहुत सारे रोग आते हैं, जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, उसके लिए ये रामबाण का काम करता है। दोस्तों बहुत बेहतरीन औषधि है, आप इसका प्रयोग ज़रूर करें। और दोस्तों इसका फ़ायदा हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस में इसको प्रयोग करने की विधि बता दें आपको। हाँ दोस्तों, ये कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग उसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। कुष्ठ रोग बहुत ही खतरनाक रोग है और सफ़ेद दाग वो भी बहुत खतरनाक है। अगर किसी को हो जाता है तो वो कहीं जाने आने लायक नहीं होते, पूरे धीरे धीरे शुरुआत कहीं एक होता है और पूरे शरीर में वो फैल जाता है। तो दोस्तों कुष्ठ रोग और सफ़ेद दाग को भी इसके प्रयोग करके आप ठीक कर सकते हैं, वो भी एक तरह से चर्म रोग ही है। तो दोस्तों इसका प्रयोग कैसे करना है, दोस्तों ये चर्म रोग के साथ साथ ये आँखों का इन्फेक्शन को सही करता है। आँख में जैसे कि लालिमा हो जाता है या दर्द होता है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो गया है तो उसको ये भी सही कर सकते हैं इसके प्रयोग से। और साथ साथ दोस्तों अगर पेट में कोई तरह की दिक्कत है, जैसे पेट में सूजन हो जाता है, गैस हो जाता है, कब्ज हो जाता है, उनको भी दूर करने के लिए इसका बहुत बेहतरीन प्रयोग है। यहाँ तक कि दोस्तों करंज का जो बीज होते हैं ना, उसका तेल आपको आसानी से मार्केट में अवेलेबल होता है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं और उससे बहुत सारी बीमारी को दूर किया जाता है। आज भी इसका प्रयोग दोस्तों बहुत सारे औषधि में किया जाता है। अगर आप इसका दीपक जला के भी घर में अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो होते हैं ना वो घर में नहीं आते हैं। और साथ साथ उसका दोस्तों तेल का प्रयोग चर्म रोग में तो विशेष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया करंज कई तरह के होते हैं, लता करंज और ये है वृक्ष करंज। जी हाँ दोस्तों, वृक्ष करंज जो होता है ना यह बहुत ही बेहतरीन औषधि होता है। लता करंज भी बहुत अच्छा होता है, दोनों का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका प्रयोग जो है ना, दोस्तों इसके करंज के कई नाम होते हैं, आपके भी क्षेत्र में किसी और नाम से जाना जाता हो, जैसे कि करंज, कटकरंज, उदकाय, करमाल, उड़िया में करंजू बजह,
दोस्तों आयुर्वेद के मत के अनुसार ये जो करंज होते हैं ना, ये लघु, तीक्ष्ण, कटु, कसैला, उष्ण, वीर्य, कफ, वात, सामक, पित्तवर्धक, उद्दीपन, पाचन, यकृत उत्तेजन, गर्भाशय विशोधन तथा ज्वार शोध। दोस्तों इस करंज में जो है ना, फूल बहुत सुंदर सुंदर मनमोहक इसमें लगे होते हैं, जो कि औषधि के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, इसका छाल का भी प्रयोग करते हैं, बीज का प्रयोग करते हैं, पत्ते का भी प्रयोग होता है। तो दोस्तों चलिए एक एक करके आप इसके प्रयोग बताते हैं, और साथ साथ दोस्तों कौन कौन सी बीमारी में इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि चर्म रोग, जी हाँ दोस्तों, चर्म रोग को कैसे प्रयोग करना है मैं सबसे पहले उसके बारे में बता दूँ आपको। जैसे मैंने बताया, ये जो वृक्ष करंज है ना, इसके आप बीज ले लें, और हल्दी, राई, दोस्तों हरर का आप अच्छी तरह से इसको पीस करके पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट तैयार करने के बाद क्या करें दोस्तों, जहाँ पर भी चर्म रोग हो या फिर जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइस या फिर सफ़ेद दाग, उस पर आप इसका प्रयोग करें। जहाँ पर भी हो आप इसको लगा करके और छोड़ दें दोस्तों, आधा घंटा के बाद इसको फिर इस तरह से सुबह शाम इसका आप अगर प्रयोग करते हैं ना, तो दोस्तों ये चर्म रोग को जड़ से ख़त्म कर देता है आपको। लेकिन दोस्तों इसको कंटिन्यू इसका प्रयोग करना होगा। तो चलिए दोस्तों इस तरह से आप 10-15 दिन तक कंटिन्यू प्रयोग करेंगे, तो जो छोटे मोटे चर्म रोग होते हैं ना, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। और यहाँ तक दोस्तों पहले दिन से ही आपको इसमें आपको फ़ायदा दिखने लगेगा। हाँ ये है कि जैसे सफ़ेद दाग हो गया और सब, जैसे कि उसके लिए आपको कंटिन्यू लंबे टाइम तक करना होगा, लेकिन दोस्तों वो भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि यह जो करंज का बीज है ना, चर्म रोग के लिए बहुत बेहतरीन औषधि है दोस्तों। इसके साथ साथ इसका जो तेल होता है ना, उसका भी प्रयोग होता है। अगर आपको मार्केट में तेल अवेलेबल मिल जाए तो दोस्तों इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर दोस्तों इसका जो है ना बीज जो है उसको पीस करके और थोड़ा सा हींग मिला करके अगर किसी को, बच्चे को या किसी को खिलाया जाए, तो पेट में अगर जो कीड़े हो गए ना, उसको भी मार देता है और मल के रास्ते से बाहर कर देता है। तो पेट की कीड़ा निकालने के लिए भी इसका बीज का प्रयोग किया जाता है, बहुत ही कड़वा होता है इसका बीज। जैसे कि मैंने बताया, इसका तेल आता है, तेल में क्या करें, नींबू का रस मिला करके आप जहाँ पर भी आपको चर्म रोग है आप वहाँ पे प्रयोग करें दोस्तों, उसमें भी बहुत बेहतरीन और चमत्कारी औषधि के रूप में काम करता है, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। आप जाएंगे मार्केट में, बोलेंगे करंज का तेल चाहिए, वृक्ष करंज का, तो आपको मिल जाएगा। लता करंज का भी मिलता है, लेकिन आपको वृक्ष करंज का लेना है, या फिर दोस्तों इसके करंज के तेल में नीम का तेल मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों अगले फायदे की बात करें, जैसे पित्त संबंधी बीमारी को दूर करने के लिए करंज का बहुत अच्छा प्रयोग है। आप इसका प्रयोग अगर करके आप पित्त संबंधी सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसको प्रयोग कैसे करना है वो बता दे रहा हूँ। इसके लिए दोस्तों वृक्ष करंज जो होता है ना, इसका छाल ले आइए और उसको अच्छा से सुखा करके और पाउडर बना लीजिए, और एक चम्मच की मात्रा में आप इसको सुबह शाम पानी के साथ लें दोस्तों, आपकी पित्त संबंधी सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। पेट में किसी भी प्रकार की समस्या है, जैसे गैस बनने की, कब्ज बनने की, या फिर ऐठान, मोरन, या किसी भी प्रकार की समस्या है ना, उसको यह दूर करता है। बहुत चमत्कारी औषधि है, बेहतरीन काम करता है, खास करके पित्त के लिए। दोस्तों अगर किसी को घाव हो जाए, चाहे हथियार से कट गया हो या पुराना से पुराना घाव हो, बदबू आ रहा हो या फिर सरे गले, यहाँ तक कि दोस्तों हड्डी तक दिखने लगता है, उसमें भी इसका प्रयोग करके आप घाव को जल्दी से जल्दी भर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों इसके करंज के जो तेल होते हैं ना, आप वही तेल का प्रयोग करें, किसी भी तरह घाव आप उस पर लगाएं दोस्तों, घाव के कीटाणु को मारता है और घाव को जल्दी से जल्दी भर देता है, चाहे किसी भी प्रकार का घाव दोस्तों। कभी कभी तो हड्डी तक दिखने लगते हैं, इतना खतरनाक घाव हो जाता है। तो दोस्तों आप इसका प्रयोग करके अपने घाव को सही कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे करंज का तेल तो बहुत फ़ायदेमंद है, अगर किसी को गठिया हो गया, जैसे जोड़ों में दर्द हो रहा हो, बहुत पुराना से पुराना दर्द हो रहा हो, गठिया बहुत पुराना हो, तो दोस्तों उसका तेल का ले लें और हल्का सा मालिश गर्म करके उसको घुटने पे मालिश करें, जहाँ पे भी दर्द होता हो वहाँ पे मालिश करें दोस्तों, आपकी जो गठिया का है ना शिकायत, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं। दोस्तों इसका एक और प्रयोग है, अगर किसी को दाद है गया है, तो एक और प्रयोग है, आप इसके बीज को ले लें,
अब बीज को ले करके और उसको नींबू के रस में उसको अच्छी तरह घिस करके उसका पेस्ट बना लें और उसका आपका प्रयोग करें किसी भी चर्म रोग पे, तो दोस्तों वो बहुत बेहतरीन काम करता है। जैसे कि मैंने बताया, तेल के साथ नींबू मिला करके भी प्रयोग कर सकते हैं और बीज के साथ नींबू मिला के भी प्रयोग कर सकते हैं। बाल अगर किसी का झड़ गया हो, झड़े हुए स्थान को इंद्रलोक भी कहा जाता है, जहाँ चिकना हो जाता है ना, बाल झड़ जाता है तो चिकना हो जाता है, उसको इंद्रलोक भी कहा जाता है। उस जगह अगर आप इसके फूल को पीस करके और पेस्ट बना लीजिए, इंद्रलोक पे लगाने के बाद दोस्तों वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपको कंटिन्यू करना है, कम से कम 15-20 दिन तक करेंगे ना तो आपके धीरे धीरे बाल आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों बाल उगाने के लिए भी इस पौधे का जो फूल होते हैं ना, बहुत बेहतरीन औषधि काम करता है, चमत्कार समझ लीजिए एक तरह से। तो इसके फूल जो होते हैं ना, यह मधुमेह डायबिटीज को भी यह कंट्रोल रखता है। अगर इसका प्रयोग करते हैं ना तो जैसे मधुमेह डायबिटीज ये सब से भी आपको छुटकारा दिला सकता है अगर कंटिन्यू इसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ हर वीडियो में कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि सही जानकारी ही बचाव होता है और सही जानकारी रहेगा तभी आप इसका प्रयोग सही ढंग से और सही फायदा ले सकेंगे। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना है, जैसे मधुमेह डायबिटीज हो गया है, इसके जो वृक्ष करंज होते हैं ना, इसके फूलों को फाट बना लें, यानी कि उसको अच्छी तरह से सुखा करके इसको पाउडर बना करके रख लें और सुबह सुबह एक चम्मच एक गिलास पानी के साथ इसका सेवन करें। अगर कंटिन्यू आप करते हैं ना तो जैसे मधुमेह और डायबिटीज जैसी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे तो दोस्तों करंज के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन दोस्तों एक एक जो बताते रहेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों आज इतना ही, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको और भी बीमारी के बारे में बताएंगे और इसके करंज के फायदे बताएंगे। तो दोस्तों आज हमने बताया वृक्ष करंज के फायदे के बारे में। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर देना, अब जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ते रहे और आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप मुझे बिदा दीजिए, तब आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।